नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो किस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्विक रिव्यू सेशन के इस टॉपिक में हम बात करने वाले एक बेहतरीन सिस्टम की, एक शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद सिस्टम की, जो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। उस सिस्टम का नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अपनी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम। तो उसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हमें पता होनी जरूरी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम की इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी थी। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्ट्रक्चरल मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो बातें हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाएं ताकि मैक्सिमम लोगों की मदद कर पाए और बेहतरीन वीडियो सेशन उनको प्रोवाइड कर सके। शुरुआत करते हैं क्विक रिव्यू सेशन का। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने, सबसे पहला पॉइंट ये रहा और ये क्या बोल रहा है कि हार्ट लाइज इन द मीडियास्टिनल एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। आपका जो हार्ट है वो कहाँ लाई होता है उसकी हम बात करें तो आपका हार्ट लाई करता है मीडियास्टिनल एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के मीडियास्टिनल एरिया के अंदर लाई करता है हार्ट। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट की लाइंग कहाँ होती है, तो ये थोरेसिक कैविटी के मीडियास्टिनल एरिया में लाई होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात होता है हार्ट का जो वजन है वो 300 ग्राम होता है मेल के अंदर और 250 ग्राम होता है फीमेल के अंदर। हार्ट का जो वेट है मेल के अंदर 300 ग्राम होएगा और फीमेल के अंदर 250 ग्राम रहता है। हार्ट जो एडल्ट हार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और जो एपेक्स है हार्ट का वो अबाउट 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये सवाल कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, याद रख लीजिएगा कि जो एपेक्स है हार्ट का वो मिड लाइन के लेफ्ट में है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्विक रिव्यू सेशन में जो खास खास बातें हैं उनकी हमने बात की, तो इस खास बात में आपको याद रखना है कि जो एपेक्स है हार्ट का वो एपेक्स कहाँ पे पाया जाता है। देखिएगा या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनकी हमने जिक्र किया उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या रहेगा कि आपका जो थोरेसिक कैविटी है मीडियास्टिनल एरिया थोरेसिक कैविटी का उसमें बिटवीन द लंग्स हार्ट रहता है। एवरेज वजन 300 ग्राम होता है मेल में और 250 ग्राम होता है फीमेल में। हार्ट अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 9 सेंटीमीटर वाइड होता है। ये खास बात है। हार्ट का जो एपेक्स है वो 9 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। जो एपेक्स है हार्ट का वो फॉर्म्ड करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का जो एपेक्स है, एपेक्स हार्ट का नीचे वाले पार्ट बोलते हैं। अगर आप हार्ट को इस तरीके से अगर आप देखें तो जो हार्ट का जो लोअर पार्ट होता है ये एपेक्स कहलाता है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा इस हार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। और इस चार चैम्बर में 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो ये हार्ट जो है इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं, 4 रूम्स होते हैं जिसमें 2 एट्रियम होते हैं। एक एट्रियम को राइट एट्रियम कहते हैं जो राइट साइड में होता है, एक एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं जो लेफ्ट साइड में होता है। एक जो है राइट वेंट्रिकल होता है जो राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाए तो लेफ्ट साइड में होता है। 4 चैम्बर हो गए। जो इनफ्लो है चैम्बर का, इनफ्लो मतलब चैम्बर जो भरते हैं वो एट्रियम कहलाता है, मतलब चैम्बर में ब्लड आता है। जैसे राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन लेके आती है। तो हार्ट के अंदर जो इनफ्लो होता है वो तो एट्रियम में होता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भरते हैं, इनमें ब्लड आता है, इनफ्लो होता है। और इसके बाद में जो आउटफ्लो होता है चैम्बर का उनको अपन वेंट्रिकल कहते हैं, मतलब जहाँ से ब्लड जाता है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जाता है एओर्टा में। तो जो आउटफ्लो होता है वो तो वेंट्रिकल से होता है, जो इनफ्लो होता है वो एट्रियम में होता है। तो एट्रियम में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, आता है जाता है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ब्लड लेके जाता है मतलब फ्लो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन एंड टिश्यू, आपके हार्ट से जो ब्लड अवे लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा, ऑर्गन और टिश्यू तक लेके जाएगा, उसको अपन आर्टरी बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ पे बात की ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये हमने बात की जो है एओर्टा। तो ये हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं, तो हार्ट से अवे दूर जो लेके जाते हैं, अवे लेके जाते हैं, उनको आर्टरी कहते हैं, ए फोर आर्टरी, ए फोर अवे। और दूसरी जो वैन है, वैन क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है ऑर्गन और टिश्यू से हार्ट की तरफ। तो टुवार्ड्स दी हार्ट जो है वो वैन होती है, टुवार्ड्स दी हार्ट वैन होती है। अवे फ्रॉम दी हार्ट बोले तो आर्टरी होती है,
टुवार्ड्स द हार्ट वेन होती है, अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी होती है। अगला है जो स्मॉलेस्ट वेन होती है उसको वेन्यूल बोलते हैं, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट वेन जो होती है, सबसे छोटी जो वेन होती है उसको किस नाम से जानते हैं, वेन्यूल के नाम से। तो वेन्यूल इज द स्मॉलेस्ट वेन, सबसे स्मॉलेस्ट वेन को वेन्यूल बोलते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एनाटॉमिकल बातें हार्ट के बारे में, इनिशियल एनाटॉमी है, सब बातों को ध्यान रखना है, वजन का ध्यान रखना है, लेंथ का ध्यान रखना है, चैम्बर चार होते हैं इसका ध्यान रखना है, और इसके अलावा एट्रिया और वेंट्रिकल और आर्टरी और वेन किसको बोलते हैं इसको ध्यान रखना है, और सबसे स्मॉलेस्ट वेन को वेन्यूल कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्या बोली जा रही है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टेरियोल। और ये जंक्शन होता है किसके बीच में, आर्टेरियोल और वेन्यूल के बीच में जो जंक्शन होता है उनको अपन कैपिलरी एक्सचेंज गैस कहते हैं, कैपिलरी एक्सचेंज गैस एंड न्यूट्रिएंट जो कि टेक प्लेस करते हैं कैपिलरी में। तो आर्टेरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी कहलाती है जहां पे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। तो स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल और वेन का स्मॉलेस्ट पार्ट वेन्यूल, और आर्टेरियोल और वेन्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं कैपिलरी से, आर्टेरियल कैपिलरीज और वीनस कैपिलरी जहां पे न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि जो राइट साइड है वो रिसीव करती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट साइड के हार्ट में आता है ना, आपकी बॉडी से इंफीरियर वेना के बाद और सुपीरियर वेना के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो सारा का सारा ब्लड कहाँ खाली होता है, राइट एट्रियम के अंदर खाली होता है। ये ब्लड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है, इस ब्लड में आपके ऑक्सीजन नहीं होती है, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, ये इम्प्योर ब्लड होता है जो राइट हार्ट में और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होता है। यहाँ लेके आने वाली ब्लड वेसल को सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा बोला, ये हमने बोला इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, क्या लेके आती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है, कहाँ खाली करती है, राइट एट्रियम के अंदर खाली करती है। अगली इंपॉर्टेंट बात होती है इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, है ना, जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल भी है इनके बीच में एक वाल होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। इस ट्राइकस्पिड वाल की लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन होती है साहब आपका जो राइट एट्रियम है और आपका जो राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है, ये राइट साइड के हार्ट का वाल्व है, नाम इसको देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, बात इंपॉर्टेंट है, पते की है, आगे लेके चलता हूँ। अगली लाइन बोली जा रही है कि जो राइट एट्रियम है वो उसके अंदर पाया जाता है पेसमेकर, राइट एट्रियम के अंदर क्या पाया जाता है, पेसमेकर, और उस पेसमेकर को हम बोलते हैं एसए नोड, क्या बोलते हैं, एसए नोड, एसए नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, जो हार्ट की पेस को बनाता है, गति को बनाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है। तो हार्ट का जो पेसर होता है, पेसर जो पेस को बनाता है, जो गति को बनाता है, जो हार्ट को दौड़ाता है, जैसे क्रिकेट में एक पेसर बॉलर होता है, फास्ट बॉलर उसको बोलते हैं, तो हार्ट की पेस कौन बनाता है, एसए नोड, और इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एसए नोड। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा, आगे लेके चलता हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या बोली जाती है, ये जो एसए नोड है जो राइट एट्रियम में होता है ये रेस्पॉन्सिबल है इंपल्सेज को जनरेट करने में और इंपल्सेज को ट्रांसमिट करने में, और किधर, एवी नोड, इधर कहां पे, एवी नोड, और एवी नोड कहां पाया जाता है अगर पूछा जाए तो ये भी राइट एट्रियम में होता है, एवी नोड भी राइट एट्रियम है, एसए नोड भी राइट एट्रियम है, और एसए नोड इंपल्सेज को जनरेट करता है, वो जाते हैं एवी नोड में, एवी नोड इंपल्सेज को कंडक्ट करता है इंपल्सेज को वेंट्रिकल्स के अंदर। तो एट्रियम के अंदर दोनों नोड होते हैं, एसए नोड और एवी नोड, और अब एवी नोड से इंपल्सेज कहां जाएंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर जाएंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन जो कि दो राइट और दो लेफ्ट होती है। आपका जो हार्ट है, इस हार्ट का जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम ने तो रिसीव किया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरी वेन, जो पल्मोनरी आर्टरी वेन नंबर में कितनी होती है, चार, दो राइट होती है, दो लेफ्ट होती है, ये पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डालेगी और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो इसके बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वाल, इसी को हम नाम देते हैं मिट्रल वाल। आपका राइट एट्रियम जिसमें इम्प्योर ब्लड था और राइट वेंट्रिकल जिसमें इम्प्योर ब्लड जाता है राइट एट्रियम से, उनके बीच के वाल होते हैं ट्राइकस्पिड वाल, और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है जिसमें प्योर ब्लड है और जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जिसमें भी प्योर ब्लड रहेगा, उनके बीच के वाल को बोला जाता है बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल का ही दूसरा नाम है मिट्रल वाल। तो ये दोनों बातें आपको खास करके याद रखनी है यहाँ पे हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने एट्रियम की बात की, चैम्बर की बात की, वेंट्रिकल्स की बात की और वाल्व की बात की, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा की बात की, और पल्मोनरी वेन
जो नंबर में चार होती है, दो लेफ्ट और दो राइट, वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आती है, प्योर ब्लड लेके आती है। अगली बात इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है, आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो रिसीव करता है ब्लड कहां से, राइट एट्रियम से, और उसको किस में पंप करता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में और राइट पल्मोनरी आर्टरी में। आपका जो राइट वेंट्रिकल है जो कि इंप्योर ब्लड रिसीव करेगा राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, ये हमने बात की कि सो अब ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट में इंप्योर ब्लड कहां से आएगा, बॉडी से, इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम आएगा। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से। अब राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को रिसीव करने वाली जो आर्टरी होती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और ये दो होती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लड कहां से रिसीव करेगी, राइट वेंट्रिकल से, और ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स को जाएगा, राइट लंग और लेफ्ट लंग में, थ्रू राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। समझ रहे हो बात को। अगली इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली जा रही है, पल्मोनरी वाल्व, कौन से वाल्व, पल्मोनरी वाल्व जो लोकेटेड होते हैं जंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। सवाल ने सिंपल बोला कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये जो चैम्बर है आपका राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल जो आपका चैम्बर है और ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, इनके बीच में जो ये वाल्व होता है, इनके बीच में जो यहाँ पे ये जो वाल्व होएगा, इस वाल्व को पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। इस वाल्व को क्या नाम दिया जाता है, पल्मोनरी वाल्व। किस किस के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वाल्व को नाम देते हैं पल्मोनरी वाल्व। बात इतनी सी है, याद हो गई हो तो बोले यस, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, समझे, लाइक करें और शेयर जरूर करें। लाइक करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये कंटेंट अगर आपके लिए मददगार है तो आप ही के किसी साथी के लिए मददगार बनेगा, और मदद करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो प्लीज़ शेयर इट जहाँ शेयर कर सको, ईमानदारी से, अपनी मोरलिटी से। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में हमारे द्वारा एक अच्छी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो आप इसको शेयर जरूर करें, तो ये मेहनत साकार होगी। ये मेहनत हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हर एक बच्चे के तक पहुंचे, और उसमें मददगार आप बनेंगे। मैं अकेला हूं, आप मेरे 100 साथी है, और हम 101 बन जाएंगे तो डेफिनेटली हम 101 लोगों तक अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच को बनाए रखिएगा, बस इतनी सी विनती है। आगे लेके चलता हूं, अगर कुछ अच्छा पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। आगे लेके चलता हूं। अगली बात क्या बोली जा रही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिसीव करता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम से। आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से ब्लड कौन रिसीव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पंप कर देता है ब्लड को एओर्टा के अंदर। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दो चीजें थी कि आपका जो चार चैम्बर का हार्ट था, और उसमें हमने अभी बात की कि जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो ब्लड लेके आएगी जो नंबर में चार होती है, कहां डालेगी, लेफ्ट एट्रियम है। यहां हमने बोला बाइकस्पिड वाल्व होता है, ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में खाली होता है, एओर्टा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहां पंप हो जाएगा, एओर्टा में, ये इस लाइन ने बोला है, और एओर्टा इस ब्लड को बॉडी को ले जाती है। अब पंगे वाली बात क्या होती है कि ये वाल्व कौन सा है, ये वाल्व की तुमने बात की बाइकस्पिड होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वाल्व है, इस वाल्व को नाम दिया जाता है सेमी लूनार वाल्व, या इसी को क्या बोला जाता है, एओर्टिक वाल्व। जो जंक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा का, इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व बोल दो या सेमी लूनार वाल्व बोल दो, बात एक ही है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसको हम सेमी लूनार वाल्व बोल सकते हैं या इसको हम एओर्टिक वाल्व बोल सकते हैं, और ये किस किस के बीच में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो एक वाल्व हो गया ट्राइकस्पिड जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में था, एक वाल्व हो गया बाइकस्पिड जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल सकते हैं इनको साथ में, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को साथ में क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इनको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। दो एट्रिया एट्रियम के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दोनों वाल्व होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं टुवार्ड्स द वेंट्रिकल एंड क्लोज होते हैं टुवार्ड्स द एओर्टा। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वेंट्रिकल की तरफ तो खुलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है टुवार्ड्स ओपन होते हैं टुवार्ड्स द वेंट्रिकल की तरफ तो खुलते हैं, और क्लोज होते हैं एओर्टा की तरफ, एओर्टा की तरफ तो ये बंद होते हैं और वेंट्रिकल्स की तरफ ये खुलते हैं। मतलब ये बहुत सिंपल सी कहानी है कि मान लो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा किस तरफ, वेंट्रिकल की तरफ, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल की तरफ तो खुलता है, लेकिन ऊपर क्या है, एओर्टाज है, एओर्टाज मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की तरफ ये बंद होते हैं, तो ऊपर की तरफ तो ये बंद होते हैं, नीचे की तरफ खुलते हैं, इसलिए ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ सकता है, पर राइट वेंट्रिकल का राइट एट्रियम में नहीं जा सकता, क्योंकि जाने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाता है।
तो ये खुलते नीचे की तरफ है, वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं, एट्रियम की तरफ नहीं खुलते, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली जो इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है कि आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसमें तीन कस्प होते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड कहते हैं। और किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन कस्प है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल, तीन कस्प होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। और आपका जो मिट्रल वॉल है, इसी को हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसमें दो कस्प होते हैं, एक कस्प एंटीरियर और एक कस्प पोस्टीरियर। मिट्रल वाल्व में दो कस्प और आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसमें तीन कस्प, दोनों बातें याद रह जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है कि आपका जो एओर्टिक वाल्व है किसके बीच में है? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। और आपका जो पल्मोनरी वाल्व है किसके बीच में है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, है ना। तो एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, इनको साथ में सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। इनको साथ में क्या बोलते हैं? सेमी लूनार। जैसे उनको बोला एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मिट्रल और ट्राइकस्पिड को, इनको साथ में बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। याद रख लीजिएगा, सेमी लूनार वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को साथ में बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। अगली इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है कि जो हार्ट के साउंड होते हैं वो साउंड चार तरीके के होते हैं। एक होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, एक सेकंड, एक थर्ड और एक फोर्थ। ज्यादातर इंपॉर्टेंट दो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको S1 बोलते हैं या लब बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकंड हार्ट साउंड जिसको अपन S2 बोलते हैं या डब बोलते हैं। एक होता है लब और एक होता है डब। अब लब साउंड, S1 साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होगा जब आपका क्लोज होएगा, और कौन क्लोज होएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, दैट इज मिट्रल और ट्राइकस्पिड। जब एट्रियो और वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, है ना। जैसे आपका ये हार्ट है और इस हार्ट में क्या होगा, ये दोनों वाल्व खुलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। तो राइट एट्रियम का ब्लड किस में खाली होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और सारा ब्लड जब वेंट्रिकल में खाली हो जाएगा तो ये बंद होगा, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और सारा वेंट्रिकल का ब्लड जब खाली हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो जब आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं उस समय आपके वेंट्रिकल जो है वो ब्लड से भरे हुए रहते हैं, आपके वेंट्रिकल ब्लड से भरे हुए रहते हैं। तो जब आपके वेंट्रिकल लबालब होते हैं, ब्लड से भरे हुए होते हैं, लबालब होते हैं, तो जब वेंट्रिकल लबालब होएंगे उस समय ये वाल्व बंद होएंगे, और इनके बंद होने पे साउंड आती है लब साउंड। तो व्हेन वेंट्रिकल आर लबालब द साउंड इज प्रोड्यूस इज नोन एज लब साउंड, द साउंड इज प्रोड्यूस इज नोन एज लब साउंड, वेंट्रिकल जब होते हैं लबालब। अब होगा क्या, ये जैसे ही बंद हो गए, वेंट्रिकल भरे हुए हैं, ये अभी तक खुले नहीं है, और जैसे ही ये वाल्व खुलेंगे, इनको बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व, इनको क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वाल्व। जैसे ही ये वाल्व खुलेंगे वेंट्रिकल खाली हो जाएंगे, राइट वेंट्रिकल खाली हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल खाली हो जाएगा एओर्टा में। तो जैसे ही वेंट्रिकल खाली होते हैं, पूरे वेंट्रिकल खाली हो जाते हैं, इनके खाली होते ही, पूरे वेंट्रिकल के खाली होते ही, ये जो दोनों वाल्व है जिनको हम सेमी लूनार वाल्व कहते हैं, अब ये बंद होएंगे। और ये जब बंद हो रहे हैं उस समय वेंट्रिकल एकदम है खाली, खाली को बोल सकते हैं डबा डब, खाली वेंट्रिकल मतलब डबा डब, क्या है ये? डबा डब। तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? डब साउंड। तो जब आपके सेमिलूनर वाल्व क्लोज होते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व, तब सेकंड हार्ट साउंड आता है और उसको हमने नाम दिया डब साउंड। और जब आपके एओर्टिक वाल्व बंद होते हैं तब साउंड आता है लब साउंड, S1 और S2। दोनों बातें याद रखनी है, बातें इंपॉर्टेंट है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात बोली जा रही है जो हार्ट के साउंड है और जो हार्ट के वाल्व की लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा, सबसे पहला एओर्टिक वाल्व का जो एरिया होता है, आपका जो एओर्टिक वाल्व है उसका एरिया पूछा जाता है, तो एरिया है सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस। एओर्टिक वाल्व जो होता है ये सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है ना। और ये जो आपका एओर्टिक वाल्व है जो सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में, ये राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे। दूसरा वाल्व की मैं बात करूँ, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं इसको, और ये सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। ये राइट में था, ये लेफ्ट में, और कहां से? सेकंड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मतलब फर्स्ट और सेकंड रिब्स के बीच का जो स्पेस है इसको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो इधर होता है एओर्टिक वाल्व और फिर होता है पल्मोनरी वाल्व, ए और पी, एओर्टिक और पल्मोनरी, दोनों बातें याद रखनी आपको। अब बाकी वाले नीचे की तरफ होंगे। तो तीसरा जो हमने बोला है इसको इरब्स पॉइंट कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इरब्स पॉइंट किसको बोलते हैं। इरब्स पॉइंट होता है थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अब राइट हो गया, सेकंड लेफ्ट हो गया, थर्ड लेफ्ट। अब थर्ड लेफ्ट जो जगह होती है, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर जो होता है, वो पॉइंट इरब्स पॉइंट कहलाता है। अगला जो है ट्राइकस्पिड वाल जो होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, ये फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे होता है, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। और लास्ट जो बचता है वो है मिट्रल वाल का एरिया,
और मिडल वॉल का एरिया पाया जाता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस जो है राइट साइड में सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस एओर्टिक वॉल होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा पल्मनरी वॉल जो सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा है इरप्स वॉल, ये इरप्स वॉल कहां पे आ जाता है थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल एक्सटर्नल बॉर्डर, थर्ड लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में। और इसके बाद में हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वॉल, और ट्राइकस्पिड वॉल कहां पे पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है आपका फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। और फिर हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वॉल के बाद में मिडल वॉल, और मिडल वॉल कहां पे पाया जाता है आपका फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। समझ रहे हो बात को? तो सेकंड सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ, और ये हमने पढ़ा एओर्टिक पल्मोनरी इरप्स ट्राइकस्पिड और मिडल। समझ रहे हो बात को? तो ए पी ई टी एम पीटीएम पीईटीएम पेटीएम पेटीएम बोलो पीईटीएम बोलो एपीटीएम बोलो एक ही बात है। याद रखना है, याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है सीधा सीधा याद रखो, क्योंकि कई बार ट्रिक भूल जाते हैं अपन, तो सीधा याद रखें। दो का पाड़ा कैसे याद किया था जिंदगी में, दो एक का दो, दो दूना चार। तो एओर्टिक पल्मनरी इरप्स ट्राइकस्पिड मिडल, समझ गए बात को? आगे लेके चलता हूं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है हार्ट की कवरिंग लेयर की, हम यहाँ पे बात करें। और हार्ट की जो कवरिंग लेयर है ये लेयर साहब तीन होती है नंबर में, और ये तीन नंबर में कौन कौन सी लेयर होती है, पहला आउटर मोस्ट लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं, इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं। सिंपल सा है, पेरी मायो एंडो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पेरी एंडो मायो पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट एंडोकार्डियम इनर मोस्ट, और मिडल को मायो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पेरी एंडो मायो पेरिकार्डियम एंडोकार्डियम मायोकार्डियम। मायो इज द मिडल, ई इज द इनर, पी इज द आउटर, पेरी इज द आउटर इनर मायो एंडो, ठीक है, एंडो इज द इनर मायो इज द मिडल, गुड। नेक्स्ट पेरिकार्डियम जो है वो बनी हुई होती है दो लेयर की, आउटर लेयर जो होती है वो फाइबरस होती है, इनर लेयर होती है वो सीरस होती है। तो पेरिकार्डियम फर्दर दो लेयर की होती है, आउटर लेयर जो होती है पेरिकार्डियम उसको फाइबरस बोलते हैं, इनर लेयर जो होती है वो सीरस बोलते हैं। एफ और एस फाइबरस और सीरस पेरिकार्डियम आउटर और इनर। नेक्स्ट जो सीरस पेरिकार्डियम होती है उसकी फर्दर दो लेयर होती है, एक होती है विसरल लेयर और एक होती है पेराइटल लेयर। समझ रहे हो बात को? सबसे आउटर लेयर को क्या बोला, पेरिकार्डियम, जिसकी दो लेयर थी, एक फाइबरस और एक सीरस। और जो पेरिकार्डियम की सीरस लेयर है उसकी दो लेयर थी, विसरल और पेराइटल, एक थी विसरल और एक थी पेराइटल। तो पेरिकार्डियल फाइबरस और सीरस, सीरस में विसरल और पेराइटल, ये दो बातें आपको याद रखनी है जो कि खास बात है हार्ट की लेयर से संबंधित। तो हार्ट की एनाटॉमी हमने पढ़ी, हार्ट की एनाटॉमी में इसमें चैम्बर वाल्व ये सारा हमने पढ़ा, और इसके अलावा हार्ट के ब्लड आने वाला एओर्टा, ब्लड को लेके जाने वाला और लेके आने वाली वेंस, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ा, लब और डब साउंड के बारे में पढ़ा, और जो साउंड हर्ड होते हैं उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने हार्ट की लेयर के बारे में पढ़ा जिसमें हमने पेरी एंडो और मायो एंडो ये तीन लेयर हमने पढ़ी, और पेरिकार्डियम में विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम के बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्विक रिव्यू पॉइंट्स हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़े। होप सो आपको ये क्विक रिव्यू पॉइंट पसंद आए होंगे। इसी तरीके की मजेदार चीज़ों को समझने और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, MPCHO के पॉइंट ऑफ व्यू में 35 MCQ टेस्ट हमने प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आप CHO का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो, इसके लिए आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाओ, टाइप करो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इस लोगो के साथ में 5-स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, ऐप को आज ही इंस्टॉल करिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। ये ऐप जो है आपके लिए बहुत मददगार बनेगा, टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर्स और कई सारी चीज़ें इस ऐप के ऊपर PDF वगैरह अवेलेबल है और इन फ्यूचर आती रहेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन चीज़ों के अलावा इस ऐप के ऊपर कुछ पेड कंटेंट भी अवेलेबल है। इन पेड कंटेंट में अभी हमारे पास में MPCHO का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज का फायदा ESIC CRPF और जितने भी CHO के एग्जाम आप लोग दे रहे हैं वो आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। इसको प्रिपेयर MPCHO के सिलेबस के बेस पे हमने किया है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज सबके लिए फायदेमंद हो सकती है।
एक टेस्ट है उसमें 50 और 30 के आसपास, कुछ टेस्ट सीरीज है उसमें 30 क्वेश्चन है, कुछ में 50 क्वेश्चन है, तो लगभग हम मानते हैं कि 1500 से 2000 क्वेश्चन टोटल 35 टेस्ट अवेलेबल है उनमें आपको मिलेंगे। 1500 से 2000 क्वेश्चन जस्ट 299 रुपीज के अंदर आपको अवेलेबल हो रहे हैं। आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो एक नंबर है 7272029029, नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029, इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 299 और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी टीम नोबल के द्वारा। इसके अलावा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे MPCHO के बेस पे वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं इसी नंबर पे पेमेंट करके, जिसका प्राइस है 1500 रुपए। सारे वीडियो है वहाँ पे, डेमोग्राफी, एपिडेमोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड बर्थ, सारी तरीके के वीडियो अवेलेबल है। एक कंसेप्चुअल ज्ञान आप अगर पाना चाहते हैं CHO के एग्जाम की तैयारी के लिए तो आज ही वीडियो परचेज करें 1500 में 7272029029 नंबर पे, फोन पे या पेटीएम या गूगल पे करके। इसके अलावा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन बैच जो है वो 2:30 बजे से चल रहा है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, जो कि 1 फरवरी से शुरू हुआ है। नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो अगर आप नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो और 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो विद MCQ प्रैक्टिस, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट आप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आज ही अप्रोच करें, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। न्यू मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट है, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 7272029029, नंबर रिपीट करता हूं 7272029029। तो ये इन्फॉर्मेशन थी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट है। आज ही जुड़िए और अपने भविष्य निर्माण की तरफ लग जाइए, क्योंकि सफलता की गारंटी एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के रूप में आपके सामने आया है ये इंस्टीट्यूट, और डेफिनेटली आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने का पहला ध्येय है इस इंस्टीट्यूट का। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप एक बेहतरीन चीजें सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, नए क्विक रिव्यू सेशन के साथ में, एक इंपॉर्टेंट नया सिस्टम लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।